नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सुजीत मिश्रा टेक्निकल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेक्निकल ब्लॉग में थ्री फेस से सिंगल फेस में कैसे कनेक्शन करें इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम प्रैक्टिकल करके इसको आपको बताते हैं कि इस थ्री फेस से सिंगल फेस में कैसे कनेक्शन करें। तो दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक डीबी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि एमसीबी लगा हुआ है जगह जगह। तो हम आपको दिखाते हैं जो ये कैसे काम करता है और कहाँ थ्री फेस है और कहाँ से हम सिंगल फेस को इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, फोर पोल का एमसीबी लगा हुआ है जो कि 40 एम्पियर का है, और ये आप देख रहे हैं ये आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, मतलब ये थ्री फेस हो गया प्लस न्यूट्रल, मतलब फोर पोल हो गया। तो ये तीनों फेस है और ये न्यूट्रल, ये मतलब ये थ्री फेस हो गया। यहाँ से मान लीजिए कोई थ्री फेस के मशीन का कनेक्शन देना है तो यहाँ से हम थ्री फेस का कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे कोई मशीन थ्री फेस से चलता है, जैसे मोटर वगैरह हो गया, तो बहुत ऐसे मशीनरी है जो थ्री फेस से चलते हैं, तो उसको हम यहाँ से आर वाई बी दे करके, न्यूट्रल दे करके उसको हम एमसीबी के द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सिंगल फेस में कैसे कन्वर्ट किया है इसको आप देख सकते हैं, ये मेन आया हुआ है आर वाई बी, और ये हो गया न्यूट्रल। और देखिए दोस्तों ध्यान से, तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मेन आया हुआ है आर वाई बी और ये हो गया न्यूट्रल, ये इसका इनपुट हो गया, ये हो गया आउटपुट। तो दोस्तों, यहाँ से आउटपुट ये देखिए, ये एक आर फेस को उठाया है और इसको ये सीधा ले जा करके इसको ये एक फेस बना दिया, मतलब ये एक सिंगल फेस का ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डीबी इसीलिए कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब डिवाइड कर दिया इसको, मतलब ये फेस ये हो गया, यहाँ पर हो गया ये सिंगल फेस का, या यहाँ से मेन कनेक्शन कर दिया, यहाँ से ये देखिए यहाँ मेन आ गया इसका और ये यहाँ से नीचे को आ गया। तो यहाँ से अब ये सारा फेस बन गया और यहाँ से ये एमसीबी, तो यहाँ से ये एमसीबी ले सकते, तो ये हो गया आर, दूसरा ये हो गया वाई और ये हो गया बी। सेम देख सकते हैं, आर को ऊपर वाला फेस ये हो गया आर, ये हो गया वाई, कनेक्शन भी दे सकते हैं, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया और ये ब्लू हो गया। और न्यूट्रल दोस्तों कॉमन होता है, न्यूट्रल आप देख सकते हैं, न्यूट्रल का भी ऐसे ही किया गया लेकिन ये कॉमन होता है, तो ये न्यूट्रल हो गया। सेम ये दे सकते हैं, ये आकर के ये न्यूट्रल का ब्रांच बन गया आर का, ये वाई का हो गया, ये बी का हो गया। और दोस्तों, ये अर्थ का आप देख सकते हैं, तो ये अर्थ का हो गया। तो मोस्टली न्यूट्रल फेस तो जरूरी है ही, अर्थ जैसे बड़े बड़े मशीन होता है तो उसमें क्या होता है, यदि आप अर्थ का नहीं देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप नंगे पर ऑपरेट कर रहे हैं कुछ ऐसे हो रहे, तो वो झटका देता है। इसलिए अर्थिंग का कोई ऐसा मशीन है जिसको अर्थिंग पॉइंट दिया हुआ है तो आप अर्थ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे न्यूट्रल फेस तो आपको देना ही देना है। तो मान लीजिए कोई आपको सपोज डेट बल्ब ही जला रहा हो, तो ये देखिए ये न्यूट्रल आ रहा, ये न्यूट्रल आ रहा है और ये फेस आ रहा है, ये सारा आपका फेस हो गया। जैसे एक तार आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा तार आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे फेस आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, तो आपका मशीन चल पड़ेगा। जैसे मैं एक डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ, सामने जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक तार कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं। अब ये इसको क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये अभी नीचे भी फेस आ रहा है, फेस आ रहा है और ये नीचे भी फेस आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों आप, दोनों जगह फेस आ रहा है। तो ये इसका मेन हो गया, ये हमने यहाँ से कनेक्ट किया है, ये हो गया एक फेस एक न्यूट्रल। जैसे आप भी कुछ कनेक्शन कर सकते हैं, तो जैसे देख सकते हैं ये एक सप्लाई आ रहा है, दूसरा ये सप्लाई आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है सप्लाई, तो आप यहाँ से इसको एमसीबी बंद कर, जैसे एमसीबी बंद किया हुआ है तो अभी देखिएगा आप यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये सप्लाई आ जाएगा। तो इसके बाद आप
गिरा करके कनेक्शन करके फिर इसको उसको उठा दीजिए, एक प्रकार का स्विच का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक कनेक्शन किए हैं, इसको हम लैब चला के आप दिखा सकते हैं। ये देखिए आप, मैंने ये हो गया न्यूट्रल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया फेस और ये हो गया न्यूट्रल। अब हमने एक मशीन का कनेक्शन कर रखा है, ये सामने दोस्तों आप देख सकते हैं ये मशीन है। तो इसको हम आपको चला के दिखाएंगे।